वास्तव में इस्लाम कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक रेगिस्तानी कबीले की दिनचर्या है। यकीन ना हो तो इस खबर को ध्यान से देखिए और खुद ही सोचिए, मजहब का मतलब अपने कबीलों के ग्रहों को बढ़ाना होता है। यह बात सब जानते हैं कि मुसलमान मूल रूप से अरब के वासी हैं और अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है। वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, इसलिए वहाँ किसी के मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी ना होने के कारण ज़मीन में दफन कर दिया जाता था। हम आपको बता दें कि रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती थी और ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान चला आता, जो कि सूचक का काम करता था। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफ़र करते थे, इसीलिए वहाँ के लोग सिर को ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे कि वो लोग बीमार ना पड़ें और तेज धूप से बचा जा सके। आप जानते हैं कि रेगिस्तान में खेत तो नहीं थे, ना फल, तो खाने के लिए वहाँ अनाज नहीं होता था, इसलिए वहाँ के लोग जानवरों को खाते थे और अपनी भूख मिटाने के लिए इसे कुर्बानी का नाम दिया गया। रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी रहती थी, इसलिए लिंग यानी मूत्र मार्ग साफ करने में पानी बर्बाद ना हो जाए, इसलिए लोग खतना यानी अगला हिस्सा काट दिया करते थे। सब लोग एक ही कबीले के खाना बदोश होते थे, इसलिए आपस में भाई बहन ही निकाय कर लेते थे। रेगिस्तान में मिट्टी नहीं मिलती थी, मूर्तियां बनाने को इसलिए मूर्ति पूजा नहीं करते थे। ये लोग खाना बदोश थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था, इसलिए कम बर्तन रखते थे और एक थाली में 5 लोग खाते थे। दिन भर रेत में चलने से थक जाने पर रात को सुंदर बीवी चाहिए, इसलिए पूरा पैक बुरका बनाया ताकि वो धूप में काली ना हो। कबीले की अधिक से अधिक संख्या बढ़े, इसलिए हर एक को 4 बीवी रखने की इजाज़त दी। अब इससे तो यही समझ आता है कि इस्लाम कोई धर्म नहीं, बल्कि एक कबीला है और इसके नियम असल में इसकी दिनचर्या है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।